जय हिंद सभी को। सैमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर, आज हमारा ये लास्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर का, पॉलिटिकल के सेकंड चैप्टर का। बच्चों देखो, इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य के घटक के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस आप लोग को मिल गई होंगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, और जिसको जो दिक्कत हो, डाउट हो, क्वेश्चंस हो, वो जरूर कमेंट में पूछा करो। ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है, तो चलो इस पार्ट के अंदर हम जानते हैं, लास्ट पार्ट होगा हमारा। देखो आज भी आगे आइए महाराष्ट्र टमाटर। ठीक है, आगे देखो, राज्य के चार मूल घटक हैं, यानी कि राज्य किन से मिलकर बना है, इन चारों तत्वों से मिलकर बना है। तो पहला तत्व है हमारा जनसंख्या। तो जनसंख्या का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है राज्य निर्माण के लिए। बोला जाता है ना कि लोग, जब परिवार कैसे बनता है, सदस्यों से, लोगों से बनता है ना, तो वही राज्य के लिए क्या जरूरी है, जनसंख्या जरूरी है, लोग जरूरी हैं, वरना राज्य में रहेगा कौन। तो राज्य के लिए जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला तत्व समझ में आया कि राज्य के लिए क्या जरूरी होता है, जनसंख्या, लोगों का होना जरूरी है, जभी तो आगे वाले तत्व काम आएंगे। समझ में आई बात, सरकार को चुनेगा कौन, जनसंख्या, जनता ही तो चुनती है। तो वही चीज़ है, जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरा है भूभाग का होना जरूरी है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए हमारे पास, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी हो, कि हम जान सकें कि हमारा ये राज्य है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, आपका यूपी, बिहार, ये सारे राज्य जो हैं, कैसे पता चलेगा कि राज्य हैं, तो उनकी अलग अलग जो है सबका भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है कि आप इस लाइन के उधर गए तो आप दूसरे राज्य में होंगे। ठीक है, तो राज्य के लिए दूसरा तत्व होगा भूभाग, यानी जमीन का होना, एक प्रॉपर्टी का, एक निश्चित भूभाग का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें जनसंख्या निवास कर सके। तो समझ में आ गया, पहला तत्व जनसंख्या, दूसरा तत्व जो है भूभाग। अब भाई जनसंख्या आ गई राज्य के लिए, भूभाग आ गई, तो लेकिन राज्य को चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कि अब सारी जनसंख्या ही है, जनता ही है, अब चलाएगा कौन राज्य को। तो राज्य को चलाने के लिए सरकार भी होनी जरूरी है। जैसे हमारे घर में हमारे पिता होते हैं, तो होता क्या है कि अगर पिता नहीं है कभी घर पे, तो होता क्या, हुड़दंग मचा देते हैं बच्चे, है ना, हुड़दंग मचा देते हैं, नाचने लग जाते हैं बिल्कुल। तो वही चीज़ें होती हैं कि घर को चलाने के लिए रूल कौन बनाता है, हमारे जो घर के गार्जियन है वो रूल बनाते हैं। तो इसीलिए देश को चलाने के लिए जो है ये हमारे गार्जियन है सरकार, यानी कि सरकार का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सरकार क्या करेगी, संगठित तरीके से नियम कायदे कानून बनाएगी जो हमारे राज्य को चलाएगी और अच्छे से चला पाएगी। तो सबसे पहले जनसंख्या का होना जरूरी है, जनसंख्या आ गई, फिर जनसंख्या के रहने के लिए भूभाग हो गया। अब जब दोनों चीज़ें आ गई, तो उसको चलाने के लिए तो कोई सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो उसके लिए जो है सरकार बुलाई गई। कौन है वो, सरकार है। तो अब देखो, राज्य के लिए तीन तत्व हो गए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार। अब सरकार के पास पावर तो होनी चाहिए, अब सरकार काम कैसे करेगी, तो सरकार के पास क्या होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, तो वो सरकार जब विजयी होती है तो उसके पास क्या चली जाती है, प्रभुसत्ता चली जाती है, यानी कि शक्ति, पावर चली जाती है। तो वो क्या करती है कि उस तरीके से हमारा, एक तरीके से हमारे लिए कानून बनाती है, नियम कायदे कानून बनाएगी, उसके तरीके से हम चलेंगे फिर। ठीक है, तो राज्य को चलाने के लिए सरकार भी जरूरी है और उस सरकार के पास जो है प्रभुसत्ता भी होनी आवश्यक है। समझ में आ गई बात। तो भाई राज्य जो है चार आवश्यक तत्वों से मिलकर बना है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। समझ में आ गई बात। तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो, हाँ, भूभाग से बाहर की कोई शक्ति या देश भी राज्य को कोई कानून बनाने या ना बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि अगर हर राज्य का अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं, ये हर राज्य को जो है छूट दी गई है, या बोल सकते हैं राज्य की, जब सूची वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, लिस्ट बताऊंगा उसके अंदर कितने विषय आते हैं, तो सारी चीज़ बताऊंगा कि राज्य के अंदर कितने विषय आते हैं। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपने नियम कायदे कानून अलग बनाकर अपने राज्य का अपने मुताबिक जो है विकास कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव या कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कोई। ठीक है, तो राज्य क्या करेगी, अपने हिसाब से अच्छे अच्छे कार्य करेगी। अगर गलत करेगी, राज्य अगर गलत करिए, तो केंद्र सरकार फिर इंटरफेयर करती है। समझ में आ गई बात। तो राज्य बनाने के लिए चार आवश्यक तत्व मैंने बता दिया आपको, यहाँ लिख रखा है प्रत्येक राज्य के पास इन तत्वों का होना जरूरी है। अगर किसी राज्य में कोई भी एक तत्व नहीं है तो राज्य राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो चार तत्वों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चों इस पर,
ठीक है। नोट्स में मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में, अगर ये चार मार्क्स का आता है तो आप इसको 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 और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नोट्स देखो वीडियो के एंड में, ठीक है। और बच्चों प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर नोट्स ठीक से नहीं दिख रहे तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, जिससे कि आप लोगों को नोट्स अच्छे से दिख जाएं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, अगर सपोर्ट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं CBSE वाले बच्चों के लिए, NIOS वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आता हूँ, ठीक है। तो समझो इन चीज़ों को और सपोर्ट करो, साइमन क्लास को सपोर्ट करो, ठीक है, मज़ा आ जाए पढ़ाने में। तो चलो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, धन्यवाद।